Thanks for visiting Brookfield Zoo. हाँ, देखते हैं आपको, देखिए इसकी गर्दन देखें आप। गर्दन देखा है इसका? मुस्तकिल इसमें हवा भरते रहते हैं। दिखाओ ये अपने अब्बा को, देखो भैया, देखो अपने पप्पा को जो सुबह सुबह नाश्ते में हर रोज देखते हो डाइनिंग टेबल पे। अरे डॉक्टर साहब आप भी करें ना यार, आप कैसे मुकल्लिद हैं यार। कॉपी लगा दूंगा मैं, कॉपी पेस्ट कर दूंगा। कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। डॉक्टर साहब ये आपका काम कर रहे हैं, बोले बेगम तलाश करो। यहाँ से तो बाहर आ जाना था, उसका टाइगर नशे वाला टाइगर होगा ना, क्यों गड्ढा थोड़ी है। टाइगर तो नहीं नजर आ रहा, टाइगर नहीं देखो यार, क्या बात है। अरे वो क्या, अरे वो बेयर नहीं बैठा हुआ, उसके ऊपर एक खाल डाल दी, हवा से उड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि हिल रहा है वो। खारिश लगी हुई है, बीमारी नहीं है। क्या होगा डॉक्टर साहब, वो उस क्या है वो वाकई में पर वाला खाल? नहीं, ये जो ब्लैक है ना काला वाला, ये बियर है। अच्छा बियर है ये, ये है ना इसको स्लॉग बियर, जो ब्लैक वाला। वो एक ही है बेचारा मायूस बैठा हुआ अकेला। स्लॉट बियर इसको कहते हैं, स्लॉट बियर। यार आप लोगों ने यार, वाहिद भाई देख रहे हैं जरूर कुछ होगा यार। असलम भाई वो खाल की दो स्किन लेकर उसमें भूसा भर के कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ, इन्होंने पागल तो हो गए, ऐसे नहीं सकते, जंप कर सकते हैं। नहीं आज आज भाई साहब ये बेवकूफ बना रहे, दो स्किन उठाकर उसमें भूसा भरकर सामने रख दिया है। अब आप समझ रहे हैं कि वो शेर है तो समझते रहिए, मर्जी है आपकी, आपकी मर्जी। अफ्रीकन अपनी अपनी गोस टू सेव द फॉरेस्ट। बहुत लोग करते हैं भैया, अरे वाह बेल पका तो कौवे के बाप को क्या बेल पकती खिलाती वो भी मरा पड़ा है। ये तो ऐसी है खाल में भरा हुआ। My wife's dance, Laura, my wife's dance. It's him, Phil, and it's
Thanks for visiting Brookfield Zoo.